वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ अप्रूव कराना है। देखो यार, पहले तो मैं अपने भाइयों को ये बता दूँ, हो सकता है बहुत सारे भाई लोग नए जुड़े हैं, मेरा ये टॉपिक नहीं है, बट मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैंने अपनी वेबसाइट्स को किस तरीके से अप्रूव करवाया था, करवाता हूँ, और वो टेक्निक्स अपने भाई से शेयर करूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ों का आज ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप लोग सुन के मतलब सर खुजाएंगे कि यार ये बंदा क्या बता रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ज़ाहिर है आपके सामने नहीं है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आप सब जानते हैं, तो कुछ पर्सनल भी होती हैं जो हम शो नहीं कराना चाहते। एनीवेज, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो के अंदर तो मैंने बहुत कुछ दिखाया है, समझाया है, यहाँ पर पहले तुमको समझना बहुत ज़रूरी है अगर तुम अपनी गूगल एडसेंस के साथ अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराना चाहते हो, चाहे वो ब्लॉग स्पॉट हो, चाहे वो तुम्हारा वर्डप्रेस पे तुम्हारी अपनी डोमेन पे करो, किसी पे भी करो। पहली बात कि मैंने जो अप्रूवल मैं जो लेता हूँ 15 आर्टिकल 20 आर्टिकल, अभी भी मैंने जो वीडियो में दिखाऊंगा 20 आर्टिकल ब्लॉग स्पॉट यानी vimos.blogspot.com मैंने ये वेबसाइट अप्रूव कराई अपनी, 20 आर्टिकल टोटल जब लिखे 27 तारीख खुद ही 29 को मेरे पास अप्रूवल आ गई। अभी सुनो मेरी बात कि मैं तुमको टेक्निक्स जो बताना चाह रहा हूँ पहले यहाँ पर सुन लो, उसके बाद तुम आगे वीडियो में देख लेना। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, किसी भाई को बुरा लगे तो आई एम सॉरी। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि आपके आर्टिकल के अंदर कम से कम 500 वर्ड्स होने चाहिए, और बहुत से वो तो ऐसे बोलते हैं कि जो 1000 वर्ड का तो आप लिखें ही लिखें, और कम से कम आपके 30 आर्टिकल होने चाहिए और फलाना निमकाना। देखो यार, मैंने 12 पे भी कराई है, 15 पे भी कराई है, अभी की बात कर रहा हूँ रिसेंटली, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। पहले मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो कि तुम्हारे 20 आर्टिकल शुड मतलब ये होने चाहिए, 20 आर्टिकल तो रखो। अच्छा, दूसरी बात कि अब आते हैं कि 500 से ऊपर होने चाहिए वर्ड्स। अबे अगर तुम्हारे 300 भी है ना तो भी तुम्हें अप्रूवल मिलेगी। तुमने अगर टोटल कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, मतलब टोटल से मरा दिए है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी ऐप का रिव्यू करते हो और ऐप का डिस्क्रिप्शन उठा के लगा रहे हो तो उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, अगर तुम कोई आर्टिकल लिख रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर किसी, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए वो कहते हैं ना कि नकल के लिए मैं अकल की ज़रूरत होती है, मैं कौन से टूल यूज़ करता हूँ वो तो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है, देख लेना, पहले मेरी बात सुन लो। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे 500 वर्ड्स होने चाहिए, उससे नीचे भी होंगे तो भी टेंशन नहीं। मेरी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनके अंदर 200-200 वर्ड हैं यार, मतलब सिर्फ इस 20 आर्टिकल के अंदर मेरी शायद कोई दो ऐसी पोस्ट्स होंगी जिनमें 500 से 700 वर्ड्स होंगे, अदरवाइज सब 500 से नीचे हैं, आप जाके देख लीजिएगा, टेंशन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि आप अप्रूवल के लिए क्या टेक्निक, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अपने भाई से शेयर करूंगा। फिर बता दूं कि मेरा एक टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने अपने भाई से पूछा था पिछले दिनों, तो मेरे भाइयों ने सब भाइयों ने बोला कि सर हमें इसके इस पर टिप्स दीजिए कि हम गूगल एडसेंस की अप्रूवल कैसे लें वेबसाइट्स के लिए। तो भैया देखो, चाहे तो वो ब्लॉग स्पॉट हो चाहे कुछ भी हो, पहला काम कि तुम जो वेबसाइट बना रहे हो, ठीक हो गया, चाहे वो तुम ब्लॉग स्पॉट पर बना रहे हो चाहे वर्डप्रेस पर बना रहे हो, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत लैविश रखो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा जो मैंने वेबसाइट अप्रूव कराई है, बहुत ही सिंपल है, मतलब सिंपल भी बोल क्या बोलूँ, वो कचरा है, वो भी अप्रूव हो गई। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक मतलब एटलीस्ट एक यूज़र फ्रेंडली आप एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है, प्रॉपरली आप उस पर होम, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी लगाओ, आपकी जो कैटेगरीज हैं कैटेगरीज को सही फिट करो। उसके बाद जब तुम आर्टिकल जब लिख रहे हो, एक आर्टिकल थोड़ी मेहनत किया करो, ये कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं है कि कॉपी कर लिया पेस्ट कर लिया, नहीं, आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखने के बाद कुछ चीज़ें अपनी भी ऐड करो उसके अंदर, अपनी चीज़ें भी मंजन फेंको उसके अंदर। अगर तुम्हारा आर्टिकल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है तो अपने मोबाइल से उसकी स्क्रीनशॉट्स लो, वो उसमें लगाओ, मतलब अपने आर्टिकल में लगाओ, थोड़ा सा अकल यूज़ करो, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ा सा उसको यूनिक बनाने की कोशिश करो। अगर तुम कॉपीराइट, अच्छा मैं कौन सा कॉपीराइट, आई मीन जो अगर मैं कॉपी का उठाता हूँ तो मैं कौन सा रीराइटर यूज़ करता हूँ भैया, वो भी मैं तुम्हें वीडियो में दिखाने वाला हूँ, पहले मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। तुमने अच्छा, फिर इंटरलिंकिंग, अगर तुमने कोई एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के अंदर अगर तुमने एंड्रॉयड का जिक्र किया, कोई वर्ड है एंड्रॉयड, अब कोई तुम्हारा दूसरा मतलब पेज है जिसके ऊपर एंड्रॉयड मतलब का जिक्र है, इंटरलिंकिंग अगर तुम कर रहे हो तो तुम प्रॉपर यानी कि उस पेज को उसके साथ लिंक करना, ये काम बस बहुत अच्छे से करना है। ये काम तुम अगर बहुत अच्छे से करोगे तो तुमको कोई भी नहीं रोक सकता कि तुम्हारी वेबसाइट अप्रूव ना हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारी वेबसाइट अप्रूव 100% हो सकती है, ये मैं गारंटेड कर रहा हूँ। मैं 100 नहीं तो मैं 99.9% श्योर हूँ कि तुम्हारी वेबसाइट अप्रूव होगी अगर तुमने इन चीज़ों का ध्यान दिया कि तुमने अपनी वेबसाइट का इंटरफेस बहुत यूज़र फ्रेंडली रखा, ठीक है। अच्छा, पहले से ही एक और मैं टिप देना चाहूँगा, पहले से ही हम जो काम बाद में करते हैं ना, मतलब अगर वेबसाइट अप्रूव हो जाती है, ठीक है, तो हम बहुत सारी कोडिंग बाद में कर रहे होते हैं, तो तुम पता क्या करो, पहले से ही ना ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स अकाउंट बना लो, उसके साथ लिंक कर दो, ठीक है। जो भी कोड वर्ड्स लगाने अगर बोलोगे तो इस पर भी वीडियो बना के दे दूंगा, फिर बता रहा हूँ मेरा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी
एनालिटिक्स को तुम उसके साथ लिंक कर दो, और उसके बाद जितने भी जो चीज़ें बाद में करने की होती है ना वो तुम पहले कर दो उसके अंदर, मतलब पहले से कर दो, सारे काम पहले करके रखो, ताकि जब वो उनके पास रिव्यू के लिए जाए तो वो ये देखें कि यार बंदे ने तो मतलब प्रॉपर काम करके रखा हुआ है ना यार, बंदा मतलब प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है इसको जाने दो। मैंने इस तरीके से अप्रूवल्स लिए हैं और लेता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले से करके रखो, ठीक है। हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, जैसे आपने देखा होगा जब वेबसाइट अप्रूव होती है लिखा हुआ है कि अर्निंग मतलब रिस्क के ऊपर है, तो फिर आप वो उसको डाउनलोड करते हो, फिर वो जाके आप उसको चिपकाते हो, कहाँ पे चिपकाते हो, क्या नाम है, अपने ब्लॉगर में या अपनी वेबसाइट में जाके उसको लगाते हो। तो भैया मैं तो जब कोई भी वेबसाइट मतलब करता हूँ, मैं ये काम पहले से करके रख लेता हूँ, मतलब मुझे बाद में करने की जरूरत नहीं, मैं पहले से करके रखता हूँ, ताकि जब वो रिव्यू के लिए जाए वो देखे कि बंदे ने सारी चीज़ें भाई एक्यूरेट अपनी जगह पे बिठाई हुई हैं। तो मैं इन चीज़ों से खेलता हूँ, तो तुम लोग भी इन चीज़ों से खेलो, जिन चीज़ों पे मैंने 12-12 आर्टिकल्स पे, 15 पे 20 पे, मैं तुम लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि कम से कम 20 आर्टिकल रखो, कोशिश करो कि 20 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 20 आर्टिकल्स ब्लॉग स्पॉट के। मैं तुम्हें वीडियो में दिखाता हूँ कि मैंने vmos.blogspot.com की जो अप्रूवल ली है वो 20 आर्टिकल पे ली है। मैं आप लोग ये सिर्फ इस वीडियो मैंने इसलिए बनाई, और हालांकि मैं वेबसाइट अप्रूव नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन जब मेरे भाइयों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि सर हमें इस पर टिप्स बताएं, तो यार ये टिप्स थी, तो इसलिए मैंने वो अप्रूवल 27 तारीख को अप्रूवल डाली, 29 तारीख को अप्रूवल आ गई, वीडियो में दिखाया है, देखिएगा कौन से टूल यूज़ करता हूं। और एक बात आखिरी जाते थे सुन लीजिए कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, फिर बता रहा हूं कि अपने भाइयों को व्हाट्सअप के साथ भी जोड़ूंगा, ताकि मैं कोशिश करूंगा अपने भाइयों को मतलब जो वो चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम को जितना मैं कर सकता हूं सॉल्व करूं। बट वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर, अपने ग्रुप में, फेसबुक में, हर जगह जरूर कीजिएगा। आई लव यू। मेरा फिर बता दूं, मेरा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन हां जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सारा शेयर कर दिया, किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जी गाइज, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप ये देख रहे हैं मेरे आपके सामने खुला हुआ है गूगल एडसेंस अकाउंट मेरा, राइट। मैं एक दफा इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप ये देख रहे हैं साइट्स, राइट। साइट्स में क्लिक किया, उसके बाद मैं देख रहे हैं vmospro.blogspot.com इज रेडी, राइट। मैं एक चीज़ अपने भाइयों को बता दूं इससे पहले, पहले मैं जाऊंगा अपनी जीमेल में, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूं अपने भाइयों के सामने। ऑलराइट, रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहली जो आप देख रहे हैं गूगल एडसेंस की तरफ से जो मेरे पास मेल आई है, एज यू कैन सी हियर कि गुड न्यूज़, योर साइट vmospro.blogspot.com इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड। ठीक हो गया। ओके, मैं आपको टाइम भी चेक कराता हूँ, आप डेट देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2021। ऑलराइट, किस तरीके से तुम लोग काम करोगे, क्या करोगे, वो सारी चीज़ें मैं अपने भाइयों को आज की वीडियो के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं एग्जैक्टली वही बताऊंगा। कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट अपने भाइयों को समझाऊंगा, जिन तरीकों से मैंने अपनी वेबसाइट्स को और भी जो मेरी वेबसाइट्स हैं वो मैंने किस तरह प्रूफ करें, वो सेम वही तरीका मैं अपने भाइयों से आज शेयर करने वाला हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। ऑलराइट, यहाँ पर आने के बाद एक दफ़ा मैं इसको भी रिफ्रेश कर दूँ अपने ब्लॉग को। आप सिर्फ ये चेक कर लो कि आर्टिकल देखो यहाँ पर कितने हैं, टोटल 20 आर्टिकल मैंने लिखे हैं, राइट। और मुझे अप्रूवल मिल गया, ठीक है। अर्निंग्स में भी जाके अपने भाई को दिखा देता हूँ, तो अभी देख सकते हैं कि योर ब्लॉग इज़ कनेक्टेड टू एडसेंस। ठीक हो गया। ओके, अब मेन पॉइंट, सब देखो पॉइंट नंबर वन, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, मैं आगे आपको दिखाऊंगा आपने करना क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। सबसे पहले तो आपके जो भी ब्लॉग है, राइट, आप चाहे ब्लॉग स्पॉट पे बनाओ, चाहे अपनी वेबसाइट, जो भी आप अपना डोमेन लेके करते हो, आपका इंटरफेस जो है ना मतलब बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। लेआउट बहुत अच्छा रखें हम, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा रखें, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रखा, बस अच्छा रखा है, उसमें ही मुझे अप्रूवल मिला है। सब कुछ दिखाने वाला हूँ, अब ये देखिए, पहले मैं भाई को दिखा दूँ, ये मेरा इंटरफेस है, अभी मैंने एड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाए हैं, राइट, सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। देखो सिंपल सा इंटरफेस है, ठीक है, और सिंपल सी मतलब यू नो ब्लॉग स्पॉट पे मैंने बनाई है, कैटेगरीज डाल दी हैं, राइट, अब ये देख सकते हैं, राइट। इस तरह का सिंपल सा आपने बनाना है, पर आपने काम क्या करना है बेसिकली, देखो पॉइंट नंबर वन कि आपके यानी कि जो कैटेगरीज है ना वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है, ये आप ये देख रहे हो, आप ये देख लो, सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए, बहुत यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। उसके बाद अब देखो ये एक गूगल प्ले स्टोर पर आ गया, मैं यहाँ से कोई भी, बल्कि यहाँ से बैक करते हैं, राइट, मैं यहाँ पे कोई भी इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद अगर आप कोई भी कहीं से भी आर्टिकल को कॉपी करते हो, राइट, चाहे आप टैग चैनल चला रहे हो, वट एवर कुछ भी चला रहे हो, कहीं से भी कुछ भी करते हो, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से, चलो यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, कॉपी करने के बाद हम आएंगे, सब इसके बारे में जानते होंगे, डुप्लीकेट चेकर जो आपको प्लेजरिज्म चेक करके बताता है, राइट। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, तो हम इसको चेक करते हैं कि इसका प्लेजरिज्म कितना दिखा रहा है। आई एम नॉट अ रोबोट, राइट, और चेक प्लेजरिज्म पे हम करेंगे क्लिक। आर्टिकल आपका यूनिक होना चाहिए, मतलब
अगर आपका प्लेजरिज्म 20% है ना तो भी चलेगा, लेकिन 20% से ऊपर कोशिश कीजिएगा कि नहीं होना चाहिए, राइट। अभी मैंने आपके सामने वहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। अब ये इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहा है 61 प्लेजरिज्म दिखा रहा है और यूनिक दिखा रहा है 28%, राइट। मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मेरा तो टैग चैनल है, सब जानते हैं, राइट। अब टैग चैनल में क्या होता है कि हम लोग एप्लीकेशंस की डिस्क्रिप्शंस वहाँ से कॉपी करते हैं, मगर मैं अपने भाइयों को एक चीज़ बोलूँगा कि आप हमेशा ना जब रीराइट किया करें ना किसी भी मतलब आर्टिकल को, तो एक दफ़ा उसको पढ़ लिया करें इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी कभी कभार होती हैं, और कोशिश किया करें कि अपनी तरफ से भी मतलब उसके अंदर आप चीज़ें मतलब लिखने की कोशिश करें, ठीक है। चाहे आप हिंदी में लिख रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, सभी देख सकते हैं कि इसका जो प्लेजरिज्म दिखा रहा है 67%। ऑलराइट, मैं इसको दोबारा से कॉपी करूंगा। अब देखो, मैं जो यूज़ करता हूं ना वो करता हूं स्पिन बॉट को, ठीक है, जो रीराइट करने के लिए, ठीक है। आपने कहीं से भी कोई आर्टिकल कॉपी किया, आपने सिंपली कॉपी करने के बाद आप यहां पे करोगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप ये देख रहे हो लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम करेंगे गो पे क्लिक। ऑलराइट, गो पे क्लिक करने के बाद जो नीचे वाला बॉक्स है यहां से हम इसको, इसने हमें रीराइट करके दे दिया, यहां से हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आएंगे वापस डुप्लीकेट चेकर के अंदर और हम इसको यहां पर चेक करते हैं कि अब हमें ये कितना परसेंट प्लेजरिज्म दिखा रहा है, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट पे दोबारा किया क्लिक और चेक प्लेजरिज्म पे हमने किया क्लिक। पहले इसने दिखाया था हमें 67% आई थिंक, राइट। सो नाउ अब देखते हैं कि ये अब हमें कितना यूनिक दिखाता है, राइट, और प्लेजरिज्म कितना दिखाता है। सो अभी देखो, इसने शुरू से ही 22% पे यूनिक दिखाना शुरू कर दिया और जो प्लेजरिज्म है वो ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है, 44 हो गया। मैं अपने भाइयों को एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे रीराइट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, बट मैंने अपनी आज तक जितनी भी मेरी कुछ वेबसाइट्स आप लोग जानते हैं उसके बारे में, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आप नहीं जानते, ठीक है। ऑफ कोर्स वो कोई भी नहीं बताता अपनी जो पर्सनल वो चीज़ें होती हैं, तो अपने भाइयों को जो मैंने अभी अप्रूवल लिया है ब्लॉग स्पॉट के ऊपर, इससे पहले मैंने जो है मैंने मोबाइल टिप्स की जो मैंने वो भी ब्लॉग स्पॉट पे मैंने अप्रूवल लिया था, राइट। तो ये एग्जैक्टली मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो खुद मैं करता हूँ। अगर आप किसी का कॉपी भी कर रहे हो तो उसके अंदर कोशिश करो। देखो इसने यहाँ पर कितना दिखाया यूनिक, ठीक है, 89% यूनिक, मतलब गुड है, चलेगा बिल्कुल। अगर आपका 20% भी प्लेजरिज्म दिखा रहा है ना, तब भी आप यहाँ पर आराम से उसको अपने ब्लॉग में जाके मतलब उसको मतलब यूज़ कर सकते हो। और कोशिश करो कि अपने यानी अपनी चीज़ें भी उसके अंदर ऐड करो, अपनी चीज़ें भी उसके अंदर डालो, एक्स्ट्रा चीज़ें डालो, कुछ पिक्चर्स वगैरह डालो। मैं आपको कोई भी एक आर्टिकल आपको खोल के दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सबसे पहला वाला खोल देता हूँ, राइट। मैंने इसके अंदर भी सेम यही काम किया है, मतलब लेकिन क्या किया है, देखो अब यहाँ पर ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये मैंने अपने क्या नाम है मोबाइल से ली थी, ठीक है। इसकी नीचे वाली पिक्चर वो भी मोबाइल से ली, कुछ चीज़ें अपने पास से भी ऐड की। तो भैया इसी तरीके से काम होता है, राइट। अपने 20 आर्टिकल भी अगर तुम ही देख लो, यहाँ पर 20 आर्टिकल हैं टोटल जिसमें मुझे अप्रूवल मिला है। तो बस एक पॉइंट अपने ध्यान में रखना कि अपनी वेबसाइट को जो भी तुम चाहे तुम ब्लॉग स्पॉट पर बना रहे हो, चाहे तुम वर्डप्रेस पर बना रहे हो, उसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया किस्म का रखना, राइट। या तुम देखो ये मेरा कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन तुमने कैटेगरीज प्रॉपरली देनी है। तुम ये देख रहे हो कैटेगरीज प्रॉपरली तुमने देनी है, ठीक हो गया ना। मतलब अगर तुम्हारी ये कैटेगरीज प्रॉपरली होंगी और अच्छा तुमने काम किया हुआ होगा अंदर, जो लिंकिंग जो की हुई होगी अंदर, इंटरलिंकिंग जो की हुई होगी, प्रॉपर की हुई होगी, तो आई एम श्योर कि तुम्हारे को 99% मैं बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारा ब्लॉग स्पॉट भी अप्रूव होगा इंशाल्लाह। सो कोई अगर कोई सवाल हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, या मजीद अगर तुम लोग चाहते हो कि मतलब इस टॉपिक पे पूछना, कहीं कन्फ्यूजन आ रही हो, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने भाइयों को उन टॉपिक पर भी वीडियोज़ कवर करके दूँ। तो अब तो मैं खैर ला रहा हूँ, उस पर मैं पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ, बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।